की जय कर। खुश रहो, कैसे आए हो? महारानी ने तुमको बुलाया है, भाभी जी तुम्हारे। इतने समय और अचानक भाभी ने हमें महलों के अंदर बुलाया है। जी ठीक है, चलो मैं चल रहा हूँ। खुशी रहो देवर, खुशी रहो देवर जी। हमें तो लगता है कि आपने कहीं की तैयारी बना रखा है। अरे भाभी, हमने कहीं की तैयारी नहीं बना रखा है। कहीं की नहीं? अच्छा, कहीं किसी ने आपको बुद्धू बना दिया होगा। हाँ, क्यों नहीं तैयारी बनाई है? करना क्या है? करना है कहीं ले जाकर जा सकता हूँ। आज से उनसे इजाजत लेने जा रही हूँ। चलो, अगर भैया ने आपको इजाजत दे दिया तो हम आपको ले जाने से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, चलो फौज की तैयारी करो। दर्जे गोपाल, चलो महल में बारह नीचे याद किया। कोई खास बात? मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो मैं चल रहा हूँ। हे प्रिय, क्या बात है? क्यों मुझे याद किया गया? स्वामी, आपको इस महल तक किस लिए आना हुआ है? आप बैठ जाइए, आपसे कुछ कहना है। कह सकती हो? बैठ जाओ। We'll be right back.
कमंडल तब तो बेटा एकदम बहुत सहना हो जाएगा। सहने में कई मुंडन शोभा देता है,
छोटे पर मुंडन शोभा देता है। तुम्हारे सर पे भूत सवार हो गया मेले का। क्या? तुम्हारे सर पे भूत मेले का सवार हो गया। हाँ, जाऊंगी मैं जरूर। हाँ, जरूर जाओगी। ठीक है, इजाजत दे दो। हाँ, हमारी तरफ से जाओ, इजाजत है। गंगा घाट स्नान करके बेटा का मुंडन करवा के और बहुत जल्दी वापस आना। और बाल हट और साधु हट, तीन हटे संसार में खराब होती है। औरत अगर हट कर ले कि हमको वहां जाना, तो सो जाओगे चली जाएगी। अगर बच्चा मेला को लाओ, वो गुब्बारा तरफ हाथ उठावे कि गुब्बारा लेंगे, तो गुब्बारा लेगा, चाहे पैसा तुम्हारे पास हो चाहे ना। और हर का कोई इंसान अगर उसके दिल में विचार आता है, तुम समझा रहे हो भैया खेती करो, नहीं भैया के सदुआए सवाल, तो भैया साधु बन जाएगा। ठीक है, तीन हटे संसार में खराब है, बाल हट, क्रिया हट, साधु हट। ये हट करके मेले को जा रहे हैं, जाओ सबको मेला देख करके आओ। अरे तो बना रहे, वो सब सेना कहाँ है? उदल और सैयदा ये सब कहाँ है? सेना सब ऐसी खड़ी है। अच्छा, और सैयद वो इधर है। अच्छा, ये सैनिक ढीली ढाली किए रहे, रास्ते में कहाँ हुई? हाँ, ढीली ढाली तो है। तैयार हो गए? सैयद तुमने चाचा कहा? हाँ, 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 बात है, खूब ढीली कह रहा हूँ। सब लोग तैयार हो गए? हाँ, तैयार हो गए। चलो ठीक है, चलेंगे। तैयारी करो, तैयारी करो। वैसे से आवत थे कोई उस प्रकार की साफ चीज देखने को हो तो तुम्हें कम दिखाई पड़ता है, और जब कोई औरत दिखाई पड़े तो तुम्हें बहुत साफ दिखाई पड़ता है। देखो भैरवा, अरे अब हम बुजुर्ग आदमी हो गए हैं, हम का ऐसे कम दिखाते हैं। मामा कहाँ जा रहे हैं? ये देवा भाई कहा था, पूरा गांव भरी गवा। अभी याद है जिन्हें वैसे क्या कर तो तुम हो जा रहे हो? हाँ, हम हो जाए कर। अरे तो बहुरी होती है, इसे को बताई दी लो। भैया हम जाने थे शेरों के अलावा उड़ती भाग्य कोई ना। ये भैनवा, कोई बात नहीं, जब बहुरिया साथे में आएगा। चलो, अरे ये आंखें कमजोर हो रही है, भला आंखें से पटकर मुड़ना तो देख लिया। हाँ चलो, देवर चलो, बच्चे को गोदी में ले लो। चलो, मेले कहा चला जाते हैं तो कहा चुप्पे चुप्पे चले हो? ये कैसे चला जाए? क्या वहाँ हल्ला मचाते हो, जोर लगते हुए चले? देखो तुम भैरवा नहीं जाना, तो तुम नादान हो। मोहब्बे वाले कहीं भी चलते हैं तो फौज साथ में होती है, और साथ में वो बजाने वाले होते हैं। ढोसा? हाँ, ढोसा बजाए न। कितना जान पे इन सब मोहब्बे के कहा चुप्पे चुप्पे जा रहे हैं? कोनो चोरी की है ना? लेकिन मामू एक बात हमें ये बताओ कि जो कन्नौज में मेला लगता है, ये किसकी राज में लगता है? ये जो मेला है, ये जयचंद की राज में मेला लगता है, लाखन की राज में। लाखन की राज में? हाँ, तो ढोसा उसी का बजना चाहिए क्योंकि उसकी राज है। लेकिन भैरवा तुम नहीं जानते, ये मोहब्बे वालों की पुरानी परंपरा है, जहाँ चलते हैं ढोसा बजाते हुए चलते हैं। यानी हमारे पुरखों के रिवाज है। हाँ, जहाँ कहीं भी जाते हैं सिर्फ मोहब्बे वालों का ढोसा बजता है। हाँ, राज चाहे जी भी हो, राज नहीं मतलब। तो ठीक है मामू, यदि ऐसी बात है, अगर हमारे पुरखातों से रिवाज है तो ढोसा सिर्फ मोहब्बे वालों का ही बजता चलेगा। ढोसे वाले, तुम आवाज लगाना शुरू कर दो। भैया पिल्ली पर पिल्ला पटक पाए, उदल के साथ में 1000 सेना है। अब चले थे लाखन के पास, लाखन के पास चलते हैं और उनसे पानी उनके पर रखते हैं। अरे लाखन के पास 80 लाख सेना और चक्र भी है, जो कहूँ चक्र छोड़ दी उदल ही मर्जी है। 3 कारतूस लेके भैया हम उरई से चले हैं, याग ने याग कारतूस में यहाँ उदल मरुआ जरूर जा। उदल जहाँ मरे मोहबा फिर हमारे यार जग जा।
बच्चा ही चारों तरफ माहिल की करतूत और झूठ का हाथ जो बन जाए तो सांच की माँ का मन से बताए दी चले तंबू लगाए मेरे भैया बंद के है सोए रहे इनका कुछ ख्याल ही नहीं कि क्या हो रहा मेरे भैया। देखो लाखन क्या करता है, दादाजी आराम कर रहे हैं, जाकर उनसे बोल दो कि उरई से तुम्हारे मामू साहब आए हुए हैं। ठीक है जाओ। दादाजी की जगह पर कैसे आए हो? यहाँ का बुढ़ाऊ आए हैं। बुढ़ाऊ आए हैं? कहाँ से आए? पाकी पाकी मोछे हैं। और बताई नहीं क्या बताए? उरई से आए। उरई से आए हैं? तो रही लाए चलो। उरई से आए होंगे, मामू होंगे, जाओ नहीं इज्जत के साथ लेके आओ। इज्जत लाओ पहले हमका। लखन ने आपसे क्या कहा? इज्जत लेकर आओ। बेकूफ कहीं का इज्जत कहीं ले जाए लेने वाली होती है? कहीं ये कहा होगा कि इज्जत गुरबत के साथ में लेकर के आओ और तुमका तो इज्जत लाओ। चलिए चलो। मामू हाँ भाई क्या बात है भाई नवा? हाँ बोलो। एक बात यू हमका अचानक अच्छा पहले आते थे खबर देते थे, आज ना तो कोई खबर ना तो कोई पता, अचानक यहाँ गए, क्या बात है बाबू? नहीं भाई पहले यू बताओ बोलो, ये जो मेला कन्नौज का है हाँ, ये किसके राज में लगता है? ये हमारी राज्य में लगता है। ये तुम्हारी राज्य में लगता हाँ, है? हमारी राज्य में। तो धौसा यहाँ पर किसका बसता है? धौसा सिर्फ लाखन का बस सकता है। और दूसरे नब्बा जी? अरे दूसरे का धौसा कैसे बस सकता है? राज लाखन की धौसा को यह बजाए अब तुम्हारा बंद हो जाए। क्या बंद हो जाएगा? अरे अब हम बंद हो जाए यह बचा तो हम दौरी का आया। क्या बंद हो जाएगा? अरे वो जो मोहब्बे का टुकुर घोर बोतल है, अरे कृष्णहरिन के लड़के जिसके घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, अब वो अपना धौसा बजाओ त्यावत कहते हमारे अलावा कोई के न बची। ऐसा नहीं हो सकता है, लाखन के राज में किसी दूसरे का धौसा नहीं बच सकता है। अब भैनवा जो कहूँ उदल का धौसा बंद न भवा। अच्छा समझो माहिल के तुम भैनवा नाओ और या कसम मत खाओ बाबा, कसम मत खाओ, मैं वादा करता हूँ कि उदल का धौसा तो क्या शायद उसकी पछाई नहीं पड़ने दूंगा। अरे भैनवा हम यहाँ सोचे थे 80 लाख सेना और चक्र, अरे उनके पास 1,000 सेना और तो हुआ अपन अपन बचाओ जाए रहा, कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। कहत रहा है कि लाखन के बंद हो जाए और धौसा बाजी तो सिर्फ उदल का बाजी। आने दो देखा जाएगा। उदे बचाओ था तो हुआ आने दो लेने का चाहिए तब तो लाकर लाखन के नाम का धौसा बजाया जाए। लाखन के सिर्फ उदल के नाम से धौसा बजाते हैं। उदल भैया के धौसा बजाओ, लाखन के नाम का धौसा बजाओ, उदल के नाम का धौसा बजाओ। अर्जा दरबार ऐसे नहीं मानेगा।
बाकी तो सारा